आप सभी को रेमोग तो नमस्कार इस लेसन में हम बात करेंगे वही सम समसटुज की जो बात कर रहे थे हम यानी रेगुलर हेक्सागन की लेकिन जब हम यहाँ रेगुलर हेक्सागन की बात करेंगे ना सर तो थोड़ा विस्तार में कुछ और बातें करेंगे जो जानते हो जो तो आप जानते ही हो यहाँ पर हम कुछ और विस्तार में चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तो है ठीक है तो देखिए जैसे हम रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहे हैं हमने पिछले लेसन में कुछ बात करी उस डिस्कशन में कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करने वाला हूँ ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बहुत अच्छे से देखना है पहली बात तो ये कि भाई मैंने कहा आपसे कि लेट से आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन मैंने आपको इस तरह से प्रोवाइड कर दिया ठीक अब इस रेगुलर हेक्सागन में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मेरे को ना ये वाला चाहिए इन रेडियस देखो एक तो जनरल फार्मूला आपको पता है मुझे मालूम है कि आपको जनरल फार्मूला पता है दूसरा मैं इंटरेस्टेड हूँ मान लिया कि मेरे को ये बता दो कि भाई ये सर्कम रेडियस क्या है ये सर्कम रेडियस होता है सर्कम रेडियस का मतलब आपको पता ही है कि ऐसे अगर सर्कल खींचूंगा ना तो इसको ऐसे टच करता हुआ सारे वर्टेक्सेस को जाएगा इसको आप परिवृत्त बोलते हो परिवृत्त की त्रिज्या फिर जब अंत वृत्त की त्रिज्या की बात होती है ना तो यहाँ पर बात उठती है इसकी ठीक है कि ऐसा करके बनेगा ये तो देखिए यहाँ पर ये यह काफ़ी आसान है मैं इसको उस फॉर्मूले से नहीं बल्कि डायरेक्ट बताऊँगा आपको पता है ये सब चीज़ें बहुत आसान है आपने कहा लेट्स से साइड ए है आपने कहा इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दो इस पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन कर दो आपको ये पता है कि ये इक्वी लिटरल होता है संभाव त्रिभुज बनता है तो जो ये आपका इन रेडियस है आर वो क्या है अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड ऑफ वही संभाव त्रिभुज का अल्टीट्यूड कितना होगा यहाँ पर आपको रूट थ्री बाई टू इन टू साइड वै साइड क्या है किसका साइड साइड ऑफ रेगुलर एक्सगन रूट थ्री बाई टू साइड या फिर आप रूट थ्री बाई टू ए कह लो जो अल्टीट्यूड है सिंगल इक्व इलेट्रल ट्राइंगल का वही है अच्छा ये बताओ कि यहाँ परिवृत्त की त्रिज्या क्या है आपको परिवृत्त की त्रिज्या क्या है ये लेंथ और ये लेंथ आपको पता है किसके बराबर है ये एक के ही बराबर होता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर जो आपका परिवृत्त की त्रिज्या आ गई आर दैट इज सिंपली इक्वल टू ए यानी साइड क्या साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन मिला या नहीं मिला आपको पता है कैसे सवाल बना के एग्जाम में दे सकता है बोल सकता है ऐसे ही कि एक रेगुलर पॉलीगन है देखो कैसे बोल सकता है आपसे कहेगा एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका परिवृत्त की त्रिज्या यानी सरकम रेडियस उसकी साइड लेंथ के बराबर है और वृत्त की जो उसकी त्रिज्या है वो रूट थ्री बाई टू इन साइड के बराबर है तो बता दो वो कौन सा रेगुलर पॉलीगन है क्या है रेगुलर हेक्सागन है आपसे ऐसे भी बोल सकता है कि ये जो आर और आर का रेशियो है ये आर और आर का रेशियो क्या है रूट थ्री बाई टू है तो आप बता दो ये कौन सा पॉलीगन है आप कहोगे कि ये तो भाई रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहे हो तो ये रिलेशन्स आपके बहुत काम के हैं ये आपको ध्यान रखना है आपसे परिवृत्त के बारे में वो बहुत कुछ पूछ सकता है आपसे रेडियस पूछ सकता है तो आपसे वो भी पूछ सकता है कि बता दो एरिया कितना है दोनों का तो वो भी आप कहीं ना कहीं निकाल सकते हो मैं आपसे पूछूँ कि बताओ दोनों का एरिया रेशियो क्या है राइट मतलब एरिया आर स्मॉल आर का मतलब क्या है है ना इन रेडियस वाले कंपोनेंट से बनेगा अंत वृत्त की एरिया और ये परिवृत्त के एरिया का रेशियो आपको निकालना है आप कहोगे ये रेशियोर रूट थ्री बाई टू है तो एरिया रेशियो कितना हो जाएगा थ्री रेशियो फोर थ्री रेशियो फोर ये हुआ कि नहीं हुआ अब देखो एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ कि मेरे को मान लिया ये एरिया रेशियो निकालना है इसका कि ये तो हो गया आपका परिवृत्त यहाँ पर हो गया लट से बीच में आ रहा है हेक्सागन तो बीच में हो गया मैंने कहा कि हेक्सागन का एरिया ले लो और मैंने कहा यहाँ मुझे ले लो अंतःवृत्त का एरिया इसका रेशियो बताओ ऐसे पूछा मैंने आपसे कि इन तीनों का मुझे रेशियो चाहिए तो अगर इन तीनों का आपको रेशियो निकालना है तो आप कैसे निकालोगे आप कोगे बीच में क्या आ गया बीच में एक ये भी आ गया दैट सिंपल आप कहोगे ये वैल्यू जो है ये तो है पाई टाइम्स ए स्क्वायर कोई कन्फ्यूज़न नहीं ये वैल्यू आपकी क्या है थ्री रूट थ्री पाई टू ए स्क्वायर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ये वैल्यू आपकी क्या है पाई इन टू ये आपका बनेगा थ्री ए स्क्वायर बाई फोर थ्री ए स्क्वायर बाई फोर ऐसा बना कोई शंका इसमें भी नहीं है आपने कहा अगर ये तीनों रेशियो मुझे निकालने हैं, तो पहले तो मैं क्या करूँगा ए स्क्वायर को हर जगह से गायब करूँगा फिर आप कहोगे फोर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा फोर पाई फोर पाई रेशियो सिक्स रूट थ्री अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब चीज़ें आप कितनी आसानी से कर सकते हो अगर मेरी छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो तो देखो ये रेशियो क्या निकल के आया परिवृत्त फोर पाई है तो आपका जो हेक्सागन है वो सिक्स रूट थ्री है और अंत वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना है थ्री पाई है आप पता है इसको बहुत आसान ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है आपके एग्जाम में इसलिए मैंने करा दिया ये आप डायरेक्ट कर सकते थे कैसे डायरेक्ट करते देखो अगर आपको इसको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे करोगे आप ऐसे ज्यूम करते रेशियो ही तो निकालना है भाई आप कहते मैं मानूंगा ना कि मेरा ये टू है क्योंकि चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी फिर अगर आपने इसकी साइड को टू मान लिया आपको पता है इसका वैल्यू कितना हो गया आर इज इक्ल टू टू हो गया साइड टू तो परिवृत्त की त्रिज्या सरकम रेडियस भी टू हो गया ये लेंथ क्या हो गया अल्टीट्यूड जो कि होता है आपका रूट थ्री स्टैंडर्ड इक्वल ट्राइंगल में आप जरा देखो क्या बना पाई इंटू टू स्क्वायर फोर पाई हो गया आपको पता है कि अगर आप साइड टू ले लेते हो तो पूरा एरिया जो हेक्सागन का होता है वो सिक्स रूट थ्री होता है वही लिखा हुआ है थ्री पाई कितना हो गया आपको पता है पाई इंटू रूट थ्री का होल स्क्वायर थ्री पाई बनेगा तो जो चीजें आपको मुश्किल लगेंगी एग्जाम में डायरेक्टली निकालने के लिए आपकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है ना वो इसको बिल्कुल बाएं हाथ का खेल बना देंगे चुटकियों में निकाल जाएगा एग्जाम में ठीक है तो ध्यान रखना है ध्यान रखो स्टैंडर्ड नहीं भी ध्यान रखना तो स्टैंडर्ड वैल्यू याद है उससे निकाल लेना तुरंत निकल जाएगा ठीक है अब एक काम करना आपका होमवर्क है होमवर्क का मतलब क्या होता है खुद करना है आपको ठीक है वो कुछ मुश्किल नहीं है आप खुद करोगे जो मैंने यहाँ पर लिखा है वही रेशियो मुझे पेरीमीटर के लिए चाहिए वो भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है आप चाहो तो उसको लिख लो या फिर आपकी जो मर्जी है मतलब आप एग्जाम में निकाल लेना ठीक है लेकिन ये होमवर्क कर लेना पेरीमीटर ऑफ बड़ा वाला सर्कल फिर जो मेरा हेक्सागन है इस हेक्सागन का भी मुझे पेरीमीटर चाहिए पेरीमीटर ऑफ दिस हेक्सागन फिर मुझे पेरीमीटर किसका चाहिए अंतःवृत्त का भी पेरीमीटर चाहिए और इसका रेशियो आप निकाल के अपनी कॉपी में लिख लेना यह बहुत काम की चीज़ है जो एग्ज़ाम में आपके काम आ सकती है और आपको आनी भी चाहिए मतलब यू शुड नॉट हैव एनी एरर्स ठीक इसको आप ध्यान से करिए कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको अच्छे से देखना मज़ा भी बहुत आएगा आपको जट से मैंने कहा आपके पास कि एक इक्वी लिटरल है इक्विल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है संभा त्रिभुज होता है तो ये इक्विलिटल ट्राइंगल आपके सामने है फिर मैंने कहा कि आप, आपने क्या किया इसके कॉर्नर्स को काट दिया और कॉर्नर्स को काट के आपने क्या किया है कॉर्नर को आपने उनके बेसिस के पैरल काटा है जैसे ये हाथ से काट काटना है अगर इसको तो मैं इसको ऐसे काटूंगा यहाँ से मुझे काटना है तो देखो मैं इसको ऐसे काटूंगा यहाँ से मुझे काटना है तो देखो मैं इसको ऐसे काटूंगा कुछ इस तरीके से आपने इसको काट दिया थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ऐसे करके ठीक है तो जब इसको आप काटोगे कॉर्नर को काट के उड़ा दोगे विजुलाइज करोगे तो क्या बचेगा आपके पास आपके पास जो पोर्शन बाकी बचेंगे ना वो इतना ही रेड कलर का पोर्शन आपके पास बाकी बचेगा ये वाला रेड कलर का पोर्शन आपके पास बाकी बचेगा अगर तीनों कॉर्नर्स को इस तरीके से आप चॉप ऑफ कर दो और लेट्स से कि गिवन है कि ये आपका रेगुलर हेक्सागन है रेगुलर हेक्सागन यानी सम सटभुज आपको ये प्रोवाइड कर दिया गया ये आपको बता दिया गया अब मेरा कंसर्न ये है कि अगर ये रेगुलर हेक्सागन है ठीक है तो पहली बात तो इसके बारे में कुछ और जानकारी बताओ कि जो ओरिजिनल इक्विलेट्रल ट्रायंगल था उसकी जो भी साइड थी तो इस हेक्सागन की साइड में क्या रिश्ता होगा कैसे करें क्या करें काइंड ऑफ दैट बहुत कन्फ्यूजन चल रहा होगा दिमाग में तो देखो मेरे पास है आपके लिए एक ट्राइंगल त्रिभुज तो ये त्रिभुज जो है आपका लेट्स से कि ये एक इक्विलेट्रल ट्राइंगल है ठीक समबाहु त्रिभुज है अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ बहुत इत्मीनान से आपको देखना है मैंने क्या किया कि ऊपर देखो एक ट्राएंगल को मैंने मोड़ा देखो मोड़ने का मतलब है समझ लो कि काट के निकाल दिया निकाल दिया पहले पता तो चले कि हेक्सागन बनेगा तो क्यों बनेगा भाई दिखे तो दूसरा मैंने देखो दूसरा भी क्या किया दूसरा कॉर्नर भी काट के निकाल दिया फिर मैंने क्या किया मैंने तीसरा कॉर्नर भी काट के मान लिया निकाल दिया ठीक अब जब तीन कॉर्नर मैंने काट के निकाल दिया आपके लिए तो क्या आप ये विजुलाइज कर पा रहे हो कि आपको हेक्सागन मिल रहा है एक दो तीन चार पाँच और छः यस मुझे हेक्सागन तो मिल रहा है अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या है कि ये जो ट्राइंगल मैंने काट के आपको दिखाया ये बेसिकली इक्विलेट्रल ट्राइंगल नहीं था जो ट्राइंगल मैंने काट के आपको दिखाया अगर इस ट्राइंगल को मैं खोलूँ ऐसे इस तरीके से तो ये इक्विलेट्रल ट्राइंगल नहीं था एक्चुअली ठीक है मे वी आईसोर्सलेस हो बट इक्विलेट्रल नहीं था ठीक है मतलब मैंने ऐसे जनरल ट्राएंगल काट लिया तो देखो हेक्सागन तो बनेगा अगर आप कॉर्नर्स को उड़ाओगे इस तरीके से कि यहां पर थोड़ा पोर्शन बाकी रह जाए तो देखो हेक्सागन तो बन रहा है लेकिन रेगुलर ये कब होगा मैंने वही बोला रेगुलर ये तब होगा जब आप इक्विलिटल ट्राइंगल लो और इक्विलिटल ट्राइंगल से इसको ना कॉर्नर को अगर आप चॉप ऑफ कर रहे हो ठीक है सिमेट्रिकली चॉप ऑफ कर रहे हो तो आपको वो रेगुलर हेक्सागन दे देगा राइट right? वो आपको क्या दे देगा रेगुलर हेक्सागन दे देगा इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और देखो जब ये रेगुलर हेक्सागन होगा जब ये रेगुलर हेक्सागन होगा तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ठीक है वो मैं आपको भी समझाता हूँ और क्या क्या चीज़ें बनेंगी वो समझते हैं इसको थोड़ा आप और बेहतर तरीके से समझते हैं विजुलाइजेशन तो आपका हो गया समझते ये हैं कि भाई लेट्स से कि मेरे पास मैंने वही बोला कि आपके पास मैंने एक ट्राइंगल आपको दिया जिसके कॉर्नर्स को आपने क्या किया चॉप ऑफ कर दिया तो चॉप ऑफ करने के बाद मैं आपको करूँगा क्या बेसिकली कुछ इसको इस तरीके से दिखाता हूँ कि आपको थोड़ा क्लियर विजुलाइजेशन हो थोड़ा बेहतर विजुलाइजेशन हो मैं तो पहले हेक्सागन बना लूँगा फिर जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसको मैं थोड़ा सा इसको डॉट करके दिखाऊंगा आपको राइट right? कि जो ओरिजिनल ट्राइंगल था वो कुछ ऐसा था समथिंग लाइक दिस मैं रिवर्स कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ये आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगा तो देखो ये पोर्शंस वो हैं डॉट वाले जो काट के निकाल दिए गए हैं और बाकी अंदर मेरे पास हेक्सागन है अब देखो इस हेक्सागन की साइड को अगर मैं ए मानता हूँ ये भी सब ए हो जाएगा यहाँ तो कोई शंका ही नहीं है रेगुलर हेक्सागन काटा है हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये हो गया अब देखिए आपको पहले तो ये समझना है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपकी आंखें खोल देंगी राइट right? जब आपने इसको रेगुलर हेक्सागन माना तो आप मुझे बताओ एक छोटा सा मेरा सवाल है आपसे और वो ये है कि रेगुलर हेक्सागन में एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है आपने कहा यस yes, 60 डिग्री होगा ये एंगल क्या होगा ये भी 60 डिग्री है कि ये, ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल है दो एंगल अगर 60 हुए तो तीसरा भी 60 होगा या नहीं हो yes, होगा यस होगा तो अगर आपने ये ए माना है तो क्या ये भी ए होगा ये भी ए होगा यस yes. यानी तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो बाहर वाला ट्राइंगल है ना जो मैंने इसको काट के निकाला है इसमें इक्विलेट्रल ट्राइंगल एक था मेरे पास उसे काट के निकाला या रिवर्स फैशन में हम अगर एक हेक्सागन के सारे जो एजेस हैं उनको एक्सपैंड कर रहे हैं जहां वो कट कर रहे हैं आपस में राइट right? जहां वो कट कर रहे हैं तीन एजेस को मैंने एक्सपेंड किया तो इन तीन एजेस को एक्सपैंड करने से मुझे क्या मिला आप ख़ुद बताओ मुझे कंप्लीट इक्विलेट्रल ट्राइंगल मिला जिसमें हमें कोई शंका नहीं है इक्वल ट्राइंगल मिला तो देखो यहाँ पर भी वही सीनेरियो होगा ये साठ ये साठ तो ये भी हो जाएगा आपका साठ ठीक और वैसे पता पता अगर नहीं भी है मैंने वही मैं प्रूफ कर रहा हूँ रिवर्स प्रूफ दे रहा हूँ आपको कि ये इक्वल से इस तरह से काटा गया ये ए हुआ ये ए हुआ ये, ए हुआ, ये भी ए हो जाएगा सिंपली ये आपका सिक्सटी ये तो ऑलरेडी सिक्सटी हो जाएगा ये भी यहाँ भी आपका ए ए ए बन गया राइट अब जो सामने आपके दिख रहा है आप मुझे बताओ कि जिस इक्विलिटल ट्राइंगल से ये काटा गया है अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस हेक्सागन का एरिया ठीक टू द जो बड़ा वाला इक्विलेटर ट्राइंगल उसके एरिया का रेशियो निकालना है तो आप सिंपल सा कहोगे कि देखो इस हेक्सागन के अंदर अगर आप बात करो तो आपको पहले से ही मालूम है सिक्स इक्विलेटल ट्राइंगल होते हैं ये पता है आपको कि नहीं यस यस मालूम है कि इसके अंदर ही सिक्स इक्विल ट्राइंगल होते हैं ओके okay? वही सेम इक्विलेटल ट्राइंगल आपको ऊपर भी दिख रहे हैं क्योंकि उनका साइड भी क्या है यहाँ भी तो सारे ए साइड के ही होते हैं ना सर ए साइड के ही होते हैं और बाहर भी ए साइड के हैं तो क कोई टेंशन नहीं है जितने भी ट्राइंगल मुझे देख रहे हैं सबका एरिया बराबर है सबका एरिया बराबर है यानी यस yes. तो आप कहोगे टोटल जो इक्वलिटल ट्राइंगल हैं इसमें तो नाइन स्मॉल इक्वलिटल ट्राइंगल है अगर मैं उनका एरिया वन मानता हूँ तो नाइन हो गया और इसी हेक्सागन के अंदर वही छः ट्राइंगल्स हैं तो जो रेशियो हो गया आपका वो सिक्स रेशियो नाइन हो गया तो क्या वो टू रेशियो थ्री हो गया यस तो आंसर क्या हो गया टूरेश यानी क्वेश्चन अगर आपका इस तरीके से आया लेट से कि एक, एक, एक ट्राएंगल है और उस इक्ल ट्राइंगल के साइड्स को चॉप ऑफ कर दिया गया और चॉप ऑफ करके हमने क्या किया है कि एक रेगुलर हेक्सागन बनाया ऐसे करके तो इसका एरिया और बाहर वाले का पूरा एरिया कितना है टूरिशोत्री है ये आप ऐसे भी बोल सकते हो ये भी आपको समझना है जो ये बाकी तीनों पोर्शन हैं उनका एरिया वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री होगा ठीक है क्लियर और नॉट और अंदर टू होगा या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो समथिंग लाइक दिस कि अगर मैं ये वन 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 बोलता हूँ तो अंदर कितने हैं सिक्स हैं दैट्स वॉट आई कैन थिंक ऑफ अब इसी चीज़ को ना एक्सटेंड करते हैं मैंने कहा ना मैं आपको बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दूंगा इसी चीज़ को अगर मैं आपके लिए एक्सटेंड करूँ तो मैंने कहा देखो आपने ये साइड बढ़ाई ये साइड बढ़ाई और ये साइड बढ़ाई ठीक आपने कहा कि ये काम क्यों नहीं करते कि ये वाली साइड बढ़ा लो भाई इसको किसने रोका है तो मैंने कहा ठीक है इस साइड को बढ़ा लेते हैं अगर मैंने इस साइड को बढ़ाया होता तो कुछ ऐसा होता इस साइड को बढ़ाया होता तो कुछ ऐसा होता राइट इफ यू एक्सटेंड दीज साइड यहां मिलेगा इसको अगर आप एक्सटेंड करते हो तो ये मिलेगा कोई शंका कोई नहीं क्या ये ट्राइंगल्स भी इक्वी होंगे यस yes, होंगे या नहीं होंगे यस yes. क्या इनका एरिया भी वही होगा जो हेक्सागन के अंदर वाले इक्विलिटर ट्राइंगल हैं आपका होगा बिल्कुल यही होगा तो ये जो आपको एक बड़ा सा ब्लू वाला ट्राइंगल अभी दिख रहा है ना ये वाला ब्लू वाला ट्राइंगल इसका एरिया भी क्या है भाई ये भी बिल्कुल सेम है ये भी क्या है बिल्कुल सेम है कहीं कोई अंतर नहीं है ठीक है जो आपका बड़ा वाला इक्वल ट्राइंगल हम पहले दिखा चुके हैं सेम एक्चुअल में ये कैसे बना है मैं आपको बेहतर तरीके से अगर कर बात करूँ आप खुद कहोगे कि देखो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं इसको समझने का बेहतर तरीका क्या है आप थोड़ी देर के लिए ये रज्यूम करो कि देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ना ये वाला जो ट्राइंगल है क्लियर इसको ध्यान से देखना मैं अगर कहूँ कि इस ट्राइंगल का मैंने मिरर इमेज यहाँ बनाया मिरर इमेज मैंने यहाँ बनाया ठीक तो ये ट्राइंगल मिलेगा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपसे बोला कि लेट से कि मैंने ये वाला ट्राइंगल जो है ये वाला ट्राइंगल जो है इसका मैंने मिरर इमेज यहाँ बनाया राइट right? क्लियर ये मिरर इमेज हो गया समझ में आ रहा है कि नहीं ऐसे ही हर एक ट्राइंगल का अगर आप मिरर इमेज बनाओगे ना तो इस तरह की ज्योमेट्री बन जाएगी तो इस पूरे का अगर एरिया आप मुझे बात करोगे तो आप कहोगे अगर मैं हेक्सागन का एरिया लेट से कहता हूँ सिक्स है तो इस पूरे ज्योमेट्री जो आपके सामने दी हुई है इसका एरिया ट्वेल्व हो जाएगा आप कहोगे यहाँ पर जो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ट्राइंगल्स टोटल मुझे यहाँ बाहर दिख रहे हैं ना सिक्स ट्राइंगल्स जो मुझे टोटल बाहर दिख रहे हैं इनका एरिया वही है जो हेक्सागन का एरिया है मज़ा आया अभी तो कुछ भी मज़ा नहीं आया है अभी तो शुरुआत हुई है ना शुरुआत हुई है सर मैंने बोला ना कि थोड़ा सोचना अगर शुरू करो तो आप कुछ भी कर सकते हो फिर मैं आपसे एक बात बोलूँगा सर बात ये बोलूँगा कि आप ना इसको ज्वाइन कर दो ऐसे इन दोनों को ज्वाइन कर दो फिर मैं आपसे कहूँगा इन दोनों को ज्वाइन कर दो सर फिर मैं आपसे बोलूँगा कि इन दोनों को ज्वाइन कर दो फिर मैं आपको बोलूँगा इन दोनों को ज्वाइन कर दो फिर मैं इसको बोलूँगा इसको ज्वाइन कर दो फिर मैं बोलूँगा आप इसको ज्वाइन कर दो अगर आपने ऐसा कर दिया तो जो कुछ मिल रहा है क्या आपको वो भी एक हेक्सागन की तरह दिख रहा है भाई मुझे तो दिख रहा है जब मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो मुझे ये भी एक हेक्सागन की तरह ही दिख रहा है अब मेरा दिमाग कैसे चल रहा है ध्यान से देखना हूं कि इस बड़े वाले हेक्सागन का रिश्ता छोटे वाले हेक्सागन से कैसा है साइड कितने गुना है मैं जानना चाहता हूं अब एक और हेक्सागन बनाया तो जानना तो चाहूंगा ही नहीं बहुत सारी चीज़ें ठीक है प्लस ये जो ऐसे ऐसे ट्राइंगल आपने अभी बनाए नए नए ट्राइंगल बने इनके बारे में क्या बोले एग्जाम में सवाल आ सकता है क्यों नहीं आ सकता कि भाई इसका एरिया बताओ क्या है रिश्ता इसका अब देखो कैसे आप आगे बढ़ोगे आप कहोगे ये मुझे पता है ए है ये मुझे पता है ए है साथ ही साथ ये अगर सिक्सटी है तो ये भी पता है कि ये वन एटी है वन एटी है पूरा वन एटी है तो ये वन ट्वेंटी हुआ वन ट्वेंटी हुआ तो ये आइसोसलेस ट्रेंगल हुआ तो आइसोसलेस ट्रेंगल में रूट थ्री एगा कि नहीं होगा अरे भाई ये जो ए है ये जो ए है ये जो ए है, है और इनके बीच वन ट्वेंटी डिग्री है तो क्या रूट थ्री ए हुआ यस अब बताओ मुझे अंदर वाले हेक्सागन का साइड क्या था भाई ए था बाहर वाले हेक्सागन का साइड कितना है रूट थ्री ए है या नहीं है अगर ये ए है और वो रूट थ्री ए है तो साइड रेशियो कितना हो गया आप बताओ अंदर वाले हेक्सागन का बाहर वाले हेक्सागन से रेशियो क्या हो गया साइड रेशियो आपने कहा साइड रेशियो हो गया सिंपली वन रेशियो रूट थ्री अंदर वाले का बाहर से अगर साइड रेशियो वन रेशियो रूट थ्री है तो एरिया रेशियो क्या हो गया आप बताओ आपने कहा एरिया रेशियो हो गया वन रेशियो थ्री सिम्पली यानी उसका एरिया इस एरिया का तीन गुना है है ना इंटरेस्टिंग भाई मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको पता नहीं लग रहा है कि नहीं सो इंटरेस्टिंग क्लियर अब देखो मैं कुछ चीज़ें बनाने जा रहा हूं जिसको देख के आपको सिर्फ़ और सिर्फ मज़ा आना चाहिए और कुछ नहीं ये चीज़ हम अलग तरीके से भी प्रूफ कर सकते थे ठीक है कि उसका एरिया तीन गुना है आप कहोगे कैसे कर सकते थे अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बस दिल थाम के बैठें और इन्जॉय करते रहें विजुअल जोमेट्रीज़ को बोलते हैं सर ठीक है और ये सब खुद से भी आप एनालाइज कर सकते हो बस थोड़ा सा इस तरह से सोचने की आवश्यकता है देखो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ अभी छोटी सी बात है बहुत बड़ी बात नहीं बहुत छोटी सी बात है ये एरिया आपने बोला वन है बोला कि नहीं बोला यस तो ये भी वन 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 तो आपको पता ही है कि होगा ठीक है ये भी वन 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 इतना तो हम देख चुके हैं अब जरा मेरा छोटा सा सवाल आपसे प्रश्न ये है कि इस पॉइंट को आप ध्यान से देखो इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ए अगर मैंने इस पॉइंट को ए बोला ठीक और इस पॉइंट को लेट से मैंने बोला बी मेरा तो छोटा सवाल है ये पॉइंट जरा ध्यान से देखो इस पॉइंट को ध्यान से देखो मैंने बोला लेट से पी ये पॉइंट अगर P है तो और ये पॉइंट लेट से बोल देते हैं Q है और ये पॉइंट आपका लेट से A B C D E F बना लो E बना लो F बना लो मेरा छोटा सा प्रश्न जो आपसे है वो यही है कि F पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो एफ क्यू की लेंथ है वो क्या है ए है ये क्यू पी की लेंथ क्या है ए है ये लेंथ क्या ए है? है कि क्या तीनों ये बराबर हैं यस yes. और इस पॉइंट को अगर मैं वर्टेक्स कंसीडर कर रहा हूँ तो आप जरा मुझे बताओ कि जो तीन ट्राइंगल्स बन रहे हैं एक ये ट्राइंगल बन रहा है एक ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल आपका ये वाला ट्राइंगल है ये तीनों के एरियाज़ बराबर होंगे या नहीं यस yes, बिकॉज एक ही पॉइंट है और एक लाइन है ऐसे जिसको आपने तीन हिस्सों में बांट रखा है ऐसे करके तो ये तीनों एरिया क्या होंगे बराबर होंगे सिंपल तो ये अगर आपने वन बोल रखा है सर तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वॉट अबाउट दिस एरिया ये भी वन वन हो गया हुआ कि नहीं हुआ हुआ या नहीं हुआ यस ये वन है तो ये भी वन हो गया ये वन हो गया ये वन हो गया ये वन हो गया ये वन हो गया आप मुझे बताओ आप कि आपको इस हेक्गजागन के अंदर कितना दिख रहा है इस हेग्जागन के अंदर दिख रहा है सिक्स दिख रहा है या नहीं तो आप देखिए काउंट करते हैं कि भाई टोटल कितना है आप कहोगे देखो एक चीज़ मुझे पता है कि अंदर वाला जो हेक्सागन है उसका एरिया सिक्स है अब अगर मैं बाहर वाले हेक्सागन की बात करूं और मेरे को एरिया निकालना हो कि बाहर वाले हेक्सागन का टोटल कितना एरिया सारे वन काउंट करने हैं अब तो कुछ भी नहीं करना है आपको क्लियर इसके अलावा क्या काउंटिंग करनी है कुछ भी नहीं तो आपने कहा कि देखो भाई ये वाला जो ट्राइंगल है एक बड़ा वाला ट्राइंगल है वो तो ऑलरेडी नाइन कंटेन कर रहा है नाइन कंटेन कर रहा है और देखो नाइन के अलावा क्या क्या है नाइन के अलावा आपने कहा थ्री तो ये हो गया थ्री तो ये हो गया जो ये वाले थ्री हैं ना ये थ्री और ये थ्री कितना हो गया सिक्स और टू एट और टू ट्वेल्व सो टल्व ये हो गया कि नहीं हो गया ध्यान से देखो मैंने क्या बोला आपसे कि आपके पास नाइन अंदर हैं तो नाइन अगर अंदर है तो बाहर कितने बचे ये काउंट करने हैं आपको ना तो ऐसे करोगे तो गलत हो जाओगे है ना मैंने अभी ज़्यादा काउंटिंग करवा दी है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो सर देखो ध्यान से जब आपने बड़ा वाला ट्राइंगल काउंट कर लिया तो देखो क्या बचा ये तीन बचे यस ये तीन काउंट करने हैं बड़े वाले ट्राएंगल के बाद ये काउंट करना है फोर ये काउंट करना है फाइव और ये काउंट करना है आपको जो कि है आपका सिक्स और क्या क्या कर काउंट करना है बड़े वाले ट्राइंगल मैंने बोला कि मैंने ले लिया तो बड़ा वाला ट्राइंगल जब आपने ले लिया तो आपको क्या क्या काउंटिंग करनी है आपको काउंटिंग करनी है थ्री ए ध्यान रखना थ्री ए करनी है थ्री ए करनी है सिक्स हो गया सेवन और वन एट क्लियर और ये नाइन तो नौ और बाहर हैं ध्यान से रखना आप ध्यान से देखना आपको नौ और बाहर हैं तो ये नाइन प्लस नाइन आउटसाइड नाइन प्लस नाइन आउट साइड कितने हो गए आपके एटीन हुआ है नहीं हुआ तो क्या आपको वन रेशियो थ्री मिला यस yes. तो ये बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है अभी पता है आपको कि आप अगर इसको एक्सटेंड करोगे ऐसे करके क्लियर यू विल फर्दर गेट फ्रॉम वेरी स्टार्टेड गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट यूल फर्दर गेट फ्रॉम वेरी स्टार्टेड फिर से एक हैगजगन है अब आप इसके बारे में पता कर लो कि ये किस ट्राइंगल से बनाए यू विल कॉन्टिन्यू डूइंग इट लिट्रेशन बार बार आप रिपीट करोगे तो देखिये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं न एक बार आप बेसिक से उनको अंडरस्टैंड कर लेते हो तो पॉसिबिलिटीज़ ओपन अप हो जाती है मैंने आपको यहाँ पर दिखाया एक ट्राइंगल के कॉर्नर चॉप ऑफ किए तो हैगजगन बना ठीक उसी को हम वापस लेके जाने लगे हम हैगजगन शुरू कर रहे हैं फिर ट्राइंगल बना रहे हैं फिर से हमें एक एक्सटेंड करके हेक्सागन मिल रहा है राइट right? ये जब अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ट होगी ना तो यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन मच फास्टर एरिया बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं सर एग्जाम में ऐसे बना के दे दिया और उन्हें पूछ लिया कि बताओ इसका एरिया क्या है क्लियर इसका एरिया पूरे के रेस्पेक्ट में क्या है आपको ये पूरा 18 है ये पोर्शन क्या हो गया 1 बाई एटीन में हुआ कि नहीं हुआ यस आई विल ये वन बाई एटीन क्लियर एग्जाम में कुछ भी कर सकता है वो इसमें फर्दर बोले इसका भी मीडियम ड्रॉ कर दे ऐसे करके इसका मिटिन ड्रॉ कर दे बोले इसका एरिया क्या है सिक्स। एक बार जब आपको क्लैरिटी मिल जाती है देन क्वेश्चन कैन बी इजिली डन विदाउट एनी प्रॉब्लम सो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में भी आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा विजुअली चीज़ों को सोचने का मज़ा ही कुछ और है ना सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस लेसन थैंक यू सो मच हैवे ग्रेट टैंक